नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। टैरो कार्ड्स में मेजर अरकाना और माइनर अरकाना दो हिस्सों में टैरो कार्ड्स डिवाइडेड हैं। मेजर अरकाना मींस द बिगर सीक्रेट्स, द बिगर प्रिंसिपल्स ऑफ आर लाइफ। एक ऐसी बड़ी सिचुएशंस जो लाइफ चेंजिंग होती हैं। जो माइनर अरकाना है उसमें इट्स लाइफ की जो है छोटी छोटी सिचुएशंस के बारे में बात की जाती है और वो डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं। लेकिन जब हम मेजर अरकाना की बात करते हैं, दे आर लाइक मोर लाइक अ प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, दे आर बिगर ट्रुथ्स ऑफ लाइफ। कि जब आपके पास मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में आता है तो सम काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रुथ, अ बिगर ट्रुथ इज ट्राइंग टू कम इन टू योर लाइफ, अ बिग चेंज और सम काइंड ऑफ अ बिग ट्रुथ, सम काइंड ऑफ अ बिग चेंज प्रॉब्ली इज ट्राइंग टू कम इन टू योर लाइफ। और साथ में ये भी बात समझने की है कि मेजर अरकाना जो जर्नी है वो फूल की जर्नी है, विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट गोज टिल 22। ये वो सारी सिचुएशंस हैं जो फूल फेस करता है एंड इट रीचेस द पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ द कार्ड ऑफ एनलाइटनमेंट। और इस एनलाइटनमेंट तक पहुँचने के लिए इट हैज़ टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस, लॉट्स ऑफ बर्निंग, लॉट्स ऑफ लिविंग, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो आज जिस कार्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कार्ड नंबर 20 एंड दैट्स द कार्ड ऑफ द जजमेंट। कार्ड में जाने से पहले कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। जजमेंट कार्ड के कीवर्ड्स हैं जजमेंट ऑफकोर्स, रीबर्थ, इनर चैलेंज, एब्सोल्यूशन, अवेकनिंग, रिन्यूअल, पर्पस, रिफ्लेक्शन। कार्ड के इमेजरी, कार्ड के पिक्चोरियल में जाएंगे। कार्ड के पिक्चोरियल में हम देखते हैं कि एक एंजल जो कि बादलों से बाहर आ रहा है एंड ही इज ब्लोइंग हिज ट्रम्पेट, और उसकी ट्रम्पेट पे जो है एक सिंबल है एंड दैट सिंबल इज़ फॉर रेड क्रॉस विच इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्लैग ऑफ हीलिंग एंड ही हैज़ लाइक टू बिग विंग्स। और हम देखते हैं कि नीचे इट्स लाइक मैनी मैन एंड वुमन एंड इवन चिल्ड्रन दे आर राइजिंग अप फ्रॉम द ग्रेव्स एंड दे आर लाइक वेटिंग फॉर द एंजल, दैट द एंजल विल गिव देम द ब्लेसिंग एंड दे विल बिकम अलाइव अगेन। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। पीछे हम देखते हैं देयर इज लाइक आईसी माउंटेन्स। अब कार्ड के गहरे मीनिंग में उतरेंगे। The card of judgment emphasizes that we hear a call within ourselves to rise up and to begin a new existence. जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि इट्स टाइम दैट अ न्यू जर्नी इज वेटिंग फॉर यू, इट्स टाइम फॉर अ न्यू जर्नी, इट्स टाइम फॉर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, द ओल्ड लाइफ इज डन एंड इट्स टाइम फॉर अ न्यू स्टार्ट, अ फ्रेश स्टार्ट। अगर हम इसको फूल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अगर फूल जो है, अगर हम जो उसकी जर्नी जो शुरू हुई फ्रॉम दोज फोर थिंग्स विच ही कैरिड, द पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स एंड कप्स, इन एलिमेंट्स को यूज़ करके, इन चारों सूट्स को यूज़ करके, यू नो लाइक ही फाइनली रीच्ड अ पॉइंट वेयर ही रीच्ड द पॉइंट ऑफ जजमेंट। एंड वॉट इज जजमेंट? जजमेंट से को समझने से पहले जजमेंट के पहले वाला कार्ड को समझना पड़ेगा, विच इज़ द कार्ड ऑफ द सन एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द कार्ड ऑफ अवेकनिंग। जब सन आपकी लाइफ में आ जाता है और सब कुछ ब्राइट हो जाता है, लाइक एवरीथिंग इज लाइक लिट अप, सो इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर एवरीथिंग हैज़ बिकम कॉन्शियस, दैट इज़ व्हाट द सन इज टॉकिंग अबाउट। एंड व्हाट हैपेंस इज, अब आप ये पूछ सकते हैं कि सन के बाद जो है फिर ये जजमेंट का कार्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि जब प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया, जब आपकी लाइफ में पूरी तरह से सन आ गया, एक ब्राइटनेस आ गई, देन व्हाई द जजमेंट इज हैपनिंग? जजमेंट इज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव। जजमेंट मींस गेटिंग डन विथ योर पास्ट, गेटिंग डन विथ ऑल योर स्लीपिंग डिजायर्स विच आर देयर इनसाइड ऑफ यू। एंड After you are enlightened, after you are awakened, a time comes when whatever
karma which is like left in your body, the judgment takes care of that. Judgment क्या करता है, वो अपनी trumpet से उन सारे सोए हुए desires को जगा देता है. This is for that person, you know, it is talking about that person जिसके जो है, जिसने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी ली है. And he has lived his karma. And this is just his leftover karma which is left. जो थोड़े बहुत जो desires उसके बचे हुए हैं, जो seeds जो उसके बचे हुए हैं. Judgment card हमें ये बता रहा है कि वो जो seeds जो बचे हुए हैं, it's time for them to wake up and finally just disappear. The judgment card is like, is telling us कि जो भी हमारे अंदर जो भी छुपा हुआ जो डिज़ायर है, जो सन के बाद तो एक प्रोसेस ये हो जाता है कि दैट नथिंग इज़ लेफ्ट एंड यू आर गिवन न्यू लाइफ, यू हैव बिकम अ चाइल्ड अगेन. द जजमेंट कार्ड इज़ ट्राइंग टेल अस दैट जो भी अब इसके अंदर जो भी मरा हुआ है, एनीथिंग विच हैज़ टू डू विद योर डिज़ायर, इट इज़ गोइंग टू डाई नाउ. And how it is going to die is because it is going to come into light. Jab desires aapke light mein aa jate hain, when desires come into consciousness, they just disappear. The thing is, desires actually only can exist when there is unconscious. When you are unconscious, only then the desires can exist. Once you are awakened, all desires will just vanish. That's how it works. तो नॉर्मली वैसे अगर हम बात करें कि किसी की रीडिंग में अगर ये कार्ड आ रहा है, तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ न्यू सिचुएशन विच इज़ अराइजिंग इन दिस पर्सन्स लाइफ, प्रॉब्ली अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग कि लाइफ अब उस ढंग से नहीं जी जाएगी जिस ढंग से पहले जी जा रही थी. अब लाइफ को एक नए ढंग से जीना पड़ेगा, ज़िंदगी को नए ढंग से जो है स्वीकार करना पड़ेगा, और अपना जो पुराना ढंग था, एक जो पैटर्न था जिस पैटर्न से हम जी रहे थे, उस पैटर्न को जला देना पड़ेगा. दैट्स व्हाट द कार्ड ऑफ जजमेंट इज ट्राइंग टू टेल अस. और जब ये कार्ड आता है तो वो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत करके, आपको जो है एक्सेप्ट करके, एक अपने आप को एक नई सिचुएशन में डालना है. एक नई सिचुएशन में आप क्या डालेंगे, बेसिकली वो आपको सिचुएशन दे दी गई है. And it is coming to you as a gift because of your past actions. And because of your past actions, you have been given this situation. The situation where you can actually get done with whatever was hidden in your past. It's a chance for burning all which is unwanted in your life. P.D. Ouspensky ne bahut beautiful ek kitab likhi hai tarot ki symbolism ke upar. और जब वो जजमेंट कार्ड की बात करते हैं, वो जजमेंट कार्ड के बारे में बोलते हैं कि जब उन्होंने ये कार्ड देखा, तब उनको जो है बर्थ का सीक्रेट पता चला जो कि छुपा हुआ था डेथ के अंदर. आप समझ सकते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं. वो ये कहना चाह रहे हैं कि दिस कार्ड लुक्स लाइक डेथ बट इट हैज़ अ रीबर्थ इन इट, कि वेयर यू आर गिवन अ न्यू बर्थ, where you are giving a new beginning. This is what the card of judgment is trying to tell us. So the card tells us to wake up and get done with whatever was on the past and give ourselves a new beginning so that we can actually enter into the world. The next card, what it is trying to tell us, this is the last, you can say this is the last step, and after this step the whole world is yours. And that is why we call the card of the world the card of enlightenment, where the whole process is completed. It calls for a new birth. A new birth which only you can give it to yourself. The angel is blowing the trumpet. You just have to listen to it and you will come out of your graves. You will come out of your hidden places. You will come out of your darkness. And finally you will come into light. So this was my reading for you for the card of judgment. I hope you enjoyed it and I will see you in my next one. Thank you so much for watching. Namaste.